व्यक्ति यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, मोस्ट वैल्यूड टीम एक्स पार्क शॉट देते हुए आपको दिखाई देंगे। बट गेल की बात करी जाए तो वहाँ पे 90 FPS सर उनको भी डाउन किया जरूर गया, बट दूसरे साइड पे अगर बात करें टीम एक्स पार्क मावी लास्ट प्लेयर बचे हुए थे अपनी टीम से, बड़े सी के साथ ऑरेंज रॉक ईस्पोर्ट्स एलिमिनेट करते हुए नजर आएगी टीम एक्स पार्क। अभी भी आपको सर्कल के बाहर दिखाई देने वाले, बट स्काईलाइट्स वर्सेस ओजी की जो फाइट है वो चलते हुए नजर आएगी। सोमराज वहाँ पे बिलीव डाउन करेंगे, डेल्टा पीजी वो भी डाउन होते हुए दिखाई देंगे, बट सोमराज नीचे जाने की कोशिश की, एक बढ़िया ग्रेनेड पूरी ओजी स्क्वाड इसी ग्रेनेड के साथ एलिमिनेट हो सकते हैं। सोमराज गए सर उनके ग्रेनेड करने, बट उनके ऊपर भी एक ग्रेनेड आया था, अंदर एक ग्रेनेड है जरूर, ग्रेनेड फटा और शायद इसी के साथ पूरी स्क्वाड ओजी की एलिमिनेट हुई। उन्होंने आवाज नहीं सुनी, क्या पता नहीं एग्जॉर्डस को उन्होंने डाउन किया और अब स्काईलाइट गेमिंग का एक और पुश आने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार टीम स्काईलाइट गेमिंग हमें देखने को मिल रही है। पुकार की साइड से वो ग्रेनेड जाएगा, काफी करीब था जोकर बॉट के, लेकिन जो कनेक्शन है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि वहां पर नॉक निकाला जाए। ये एक स्लैमिन की कोशिश जरूर थी, इससे पहले टीम एक और टीम उन्होंने कोशिश की थी। कमला बॉय यहाँ पर आएंगे एक्शन में, लेकिन उनको डाउन किया जाएगा। पीछे से पुकार जो है वो क्लोजिंग करने के लिए जाएंगे, वो फिनिश वो लेने में कामयाबी नहीं मिली। देखते देखते स्काईलाइट गेमिंग एक बार फिर से राइज करते हुए जो आखिरी खिलाड़ी सर्वाइव कर रहा था उनको भी फिनिश किया। 15 फिनिश टीम स्काईलाइट गेमिंग ऑलरेडी निकाल चुके। मीनवाइल TSM वर्सेस VR1 की जो फाइट है वो भी इनिशिएट हो चुकी है। डिस्ट्रक्टेक्स का एलिमिनेशन, शैडो वहां पर मौजूद, सत्या उनके जस्ट सामने प्रोन डाउन है और क्या वो उनको स्पॉट कर सकते हैं। VR1 का सफर भी यहां पर खत्म हो सकता है। स्पॉट किया, डाउन किया, एलिमिनेशन VR1 का भी। TSM का तो पता नहीं, बट स्काईलाइट्स गेमिंग जरूर क्लासिक मैचेस खेलते हुए इस वक्त दिखाई देगी आपको। 15 फिनिशेस उन्होंने निकाले। TSM की बात करें, 4 फिनिशेस उनके पास बड़े और ईस्पोर्ट्स को आप देखे हैं कि एक बार के लिए 3 प्लेयर उनके सर्वाइव करें, बट 12 टोटल फिनिशेस उन्होंने निकाले। TSM 4 के साथ स्काईलाइट गेमिंग 15, 40 ईस्पोर्ट्स एक बेहतरीन प्रदर्शन, 3 फिनिशेस निकाले, 3 प्लेयर उनके सर्वाइव करें। बट नेक्स्ट सर्कल एक बार फिर से स्काईलाइट गेमिंग के पास जाता हुआ विनर चिकन डिनर थाली में परोस के आया जरूर है, बट देखते हैं क्या कोई और छीनने में काबिलियत रखता है या फिर नहीं। TSM चारों प्लेयर उनके सर्वाइव करें, बाकी 2 टीम के 3-3 प्लेयर बचे जरूर, बट TSM सर्कल के अंदर जाने के लिए उनको भिड़ना पड़ेगा, वो स्मोक सुने करने पड़ेंगे। बट वार बहुत जल्द उनके ऊपर बस हावी होने की तैयारी करने में लगी हुई है। देखिए TSM की बात करें, फॉल्ट ईस्पोर्ट्स की बात करें, ऑरेंज रॉक ईस्पोर्ट्स की बात करें, इनको अब यहां पर जद्दोजहद करनी है, फाइट करनी है, और फिर इन 3 में से कोई एक टीम होगी जिनकी फाइनल फाइट हमें स्काईलाइट गेमिंग के साथ देखने को मिलेगी। कुछ ऐसा स्पेकुलेशन जरूर से रहने वाला है। टीम ऑरेंज रॉक की बात करें स्मोक कर रहे हैं, वहीं अगर हम बात करें TSM के निंजा जॉट की तो वो कुछ ग्रेनेड्स यहां पर स्पैम करते हुए जरूर से नजर आ रहे हैं। देखिए ओपनिंग निकालनी पड़ेगी, नॉक्स निकालने पड़ेंगे, तभी यहां पर कुछ बात बनेगी। ये ग्रेनेड बेहतर जरूर से था, जेली के काफी करीब जाएगा, क्या कनेक्शन बनाएगा, जी नहीं, अभी के लिए जेली उसको डॉच करने में जरूर से कामयाब होंगे। अब जो जोन है वो श्रिंक होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और TSM वर्सेस ऑरेंज रॉक ये फाइट हमें किसी भी क्षण स्टार्ट होती हुई नजर आ सकती है। TSM के निंजा जॉट ही जस्ट मेकिंग श्योर कि सामने से भी जो कवर्स है वो मौजूद रहे, बट अब आ चुकी है निर्णय की घड़ी, ऑरेंज रॉक वर्सेस TSM। इवो गए जरूर, शैडो की बात करें, गमला बॉय को उन्होंने वहां पे डाउन जरूर किया, बट डेस्ट्रो को आप देखें काफी ज्यादा ऊपर थे, उनको कूदने की जरूरत वहां पे पड़नी नहीं चाहिए थी, नीचे गिरे जरूर है। वहां पे गमला बॉय को रिवाइव करने के लिए जा रहे, मुश्किलें ज्यादा हो सकते हैं, बट निंजा जॉट एक बढ़िया ग्रेनेड जाता हुआ जेली को डाउन किया गया। बट शैडो की बात करें, वहां पे फॉल TSM की पूरी स्क्वाड एलिमिनेट हो सकती है, एक ग्रेनेड से वो एलिमिनेट हो सकते हैं। इवो की बात करें, वो भी यहां पे डाउन हो गया, वैक्सी को स्पॉट किया गया ऑरेंज रॉक, देखते ही देखते इसी के साथ उनका भी एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता हुआ। 7 फिनिशेस TSM के पास। बट बात करी जाए 2 प्लेयर उनके डाउन यहां पे हो चुके, सोमराज वहां पे शैडो को डाउन करेंगे, एक नॉक पूरी तरीके से खत्म हो गए ब्लेज और उनके साथ एक और प्लेयर बचेंगे, बट फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पुकार आएंगे वहां पे, ब्लेज को डाउन किया गया। निंजा लास्ट प्लेयर अपनी टीम से सर्वाइव करते हुए 18 टोटल फिनिशेस, क्या वो और भी फिनिशेस निकाल सकते हैं 24 फिनिशेस के साथ, बड़े-बड़े चिकन डिनर हो जरूर सकता है। बिल्कुल यहां पर ऑलरेडी उन्होंने 18 फिनिशेस निकाल दिए। स्काईलाइट गेमिंग भी यहां पर कुछ रिकॉर्ड्स ब्रेक करने के मूड में आ चुके हैं, स्पेशली क्वार्टर फाइनल्स के तो वो जरूर से ऑलरेडी करते हुए नजर आए। टीम एलीट की बात करें वो हमें यहां पर देखने को मिल जाएंगे। टीम फॉर्टी स्पोर्ट्स के 3 खिलाड़ी एक ही जगह पर मौजूद है, एक ग्रेनेड अगर वहां पर जाएगा तो वो दूसरे पायदान से तीसरे पायदान पर भी आ सकते हैं। लेट्स सी यहां पर करा जाए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक और टीम है और सामने Skylight Gaming की जो स्क्वाड है वो तो मौजूद है। पुकार का ये ग्रेनेड मोस्ट प्रोबेबली पूरी तरीके से टीम को खत्म करेगा। आ गया है सोमराज, उन्होंने फिनिशर्स निकाले 8 फिनिशेस, चलिए एक और जोड़िए, 9 करिए टोटल 21 के साथ जाती हुई आपको दिखाई देगी यहां पे स्काईलाइट गेमिंग की स्क्वाड। और चलिए गमला बॉय आखिरी जो प्लेयर थे।